दोस्तों, इन दिनों स्टार प्लस की बहुत चर्चित एक्ट्रेस आयशा सिंह अपने सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई बनकर लोगों के दिलों में इस कदर बस चुकी हैं कि अब इनके पीछे आम लड़के इनके प्यार में पड़ गए हैं, जो इनके प्यार में कुछ भी कर जाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक्ट्रेस आयशा सिंह के प्यार में कुछ भी कर जाने वाले केवल आम लड़के ही नहीं, बल्कि टीवी के कुछ एक्टर भी हैं जो इनसे इतना प्यार करते थे कि वो इन्हें और इनका प्यार पाने के लिए किसी भी हद से गुजर गए। उन्होंने इनका प्यार पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी जगत की उन चार हैंडसम अभिनेताओं से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने आयशा सिंह के प्यार को पाने के लिए हर हद को पार दिया है। वो किसी भी हालत में कैसे भी करके आयशा सिंह के प्यार को पाना चाहते थे। तो चलिए एक एक करके रूबरू होते हैं इन चारों अभिनेताओं से। नंबर वन, साहिल उपल। पिंजरा खूबसूरती का सीरियल में दिखाई देने वाले हैंडसम अभिनेता साहिल उपल का दिल अभिनेत्री आयशा सिंह पर आ गया है, जिन्होंने कुछ समय पहले आयशा को अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक लंबा चौड़ा खत लिखा था, जिसमें इन्होंने अपने प्यार को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था। मगर आयशा को इनके लव प्रपोजल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया, जिसके चलते साहिल उपल का प्रपोजल उन्होंने ठुकरा दिया है। फिर साहिल ने उनसे डायरेक्ट मीटिंग करने की भी कोशिश की, मगर आयशा ने इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में साहिल ने जी तोड़ मेहनत की अपने प्यार को हासिल करने के लिए, मगर इनकी फूटी किस्मत की वजह से इन्हें कुछ भी हाथ ना लगा। नंबर टू, कंवर ढिल्लो। फिलहाल इन दिनों स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में साइड कैरेक्टर निभाने वाले अभिनेता कंवर ढिल्लो का भी दिल धड़क चुका है अभिनेत्री आयशा सिंह के लिए, जिनके प्यार को पाने के लिए इन्होंने उनके घर के बहुत ज्यादा चक्कर काटे हैं। जी हां, कंवर ढिल्लो ने आयशा सिंह को प्रपोज करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, पर फिर भी आयशा को इनके अंदर का मासूम प्यार दिखाई नहीं दिया और वो इन्हें भी बड़ी आसानी से ना करके अपना रास्ता नाप चुकी हैं। फिर भी ये नहीं रुके, इन्होंने उनका प्यार पाने के लिए हद पार करते हुए डायरेक्ट इनके माता पिता से इनके हाथ मांग लिया था, पर अफसोस इन्हें ना ही मिली। नंबर थ्री, विशाल सिंह। अभिनेता विशाल सिंह इन दिनों किसी भी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं, मगर ये आयशा सिंह का सीरियल गुम है किसी के प्यार में जरूर देखते हैं और इन्हें इस सीरियल में अपनी सई इतनी प्यारी लगती हैं कि ये उन्हें अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, जिसके चलते ये उनका प्यार पाने के लिए उन्हें कई बार इनडायरेक्टली प्रपोज भी कर चुके हैं। और जब आयशा ने इन्हें मना कर दिया, तब ये उनके मम्मी पापा के पास भी चले गए थे उनका रिश्ता लेकर, जहाँ पर उनके पेरेंट्स ने भी के हस्बैंड के रूप में इन्हें नहीं चुना। मगर विशाल ने हार नहीं मानी, ये लगातार कई दिनों तक गुम है किसी के प्यार में के सेट पर जाते ही रहे आयशा से मिलने के लिए, पर इन्हें लगा था कि आयशा के पीछे इस तरह पढ़ने से वो इनसे शादी करने के लिए मान जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो विशाल को काफी भला बुरा सुनाकर सेट से रफा दफा भी करवा दिया करती थी, मगर विशाल सिंह तो उनके प्यार में इस कदर पागल हुए हैं कि ये कभी भी आयशा सिंह पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। नंबर फोर, पारस कलावत। जी हाँ, अभिनेता पारस कलावत ने भी आयशा सिंह का प्यार पाने के लिए सारी हदें पार कर दी है। जहाँ ये चाहते थे कि अनुपमा सीरियल में इनकी गर्लफ्रेंड नियति फतनानी ना होकर आयशा सिंह होती, जिसके साथ ये अच्छा खासा समय गुजार पाते, मगर जब इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो ये अनुपमा सीरियल में अपनी शूटिंग को ख़त्म करके बार बार आयशा से मिलने के लिए उनके सेट पर चले जाते थे, जहाँ पर ये घंटों बैठ कर आयशा के रिपीट टेक देखते रहते थे और खुश हो जाया करते थे। हालांकि इनके जैसा इतना बड़ा दीवाना शायद इस दुनिया में कोई होगा जो बार बार अपने काम को छोड़कर किसी लड़की के पीछे इस कदर दीवाना हो गया हो। वही आयशा सिंह को इनकी दीवानगी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, पर वो भी इनका इम्तिहान ले रही हैं। लेकिन पारस कलावत भी आयशा का प्यार पाने के लिए किसी भी इम्तिहान को हंस हंस कर पार कर जाएंगे। तो दोस्तों, एक्ट्रेस आयशा सिंह को इन सभी अभिनेताओं में से किसके प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और भी तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।